Hello everyone, I'm Gaurav and you're watching Movie Reviews Blog. So Pathaan teaser was released a few days back and it took social media by storm. मतलब ऐसा तहलका मचा दिया. शाहरुख खान 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे एंड लोग उनका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एंड वही रिस्पॉन्स हमें इस टीजर पे भी देखने को मिला. वायरफ टीजर कट्स हमेशा जबरदस्त निकालता है. बेशक आप टाइगर सीरीज के देख लो, वोर का देख लो. मतलब जब वॉर का टीजर आया था ऐसे सब पागल हो गए थे. मतलब ऐसे स्केल पे एक्शन देखने को ही नहीं मिला था. एंड पठान का टीजर आया एंड सबकी एक्सपेक्टेशंस उस फिल्म से भी ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि ऐसा एक्शन दिखाया गया टीजर में बैक टू बैक कि मतलब उसको बड़े पर्दे पे जब देखेंगे तो उसका एक्सपीरियंस एक अलग ही होने वाला है. एक अच्छी फिल्म को थिएटर्स में देखने का एक्सपीरियंस इज अनमैचेबल. ये आप लोग भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ. जब हम ट्रिपल आर देखने गए KGF 2 विक्रम, या फिर उससे पहले की बात करें तो वॉर हो गई, टाइगर जिंदा है हो गई, तो इस टाइप की जो फिल्म्स हैं, हीरोइज्म, एक्शन पैक्ड मसाला, एंटरटेनमेंट, मतलब सब कुछ जब बड़े पर्दे पे ऐसा देखने को मिलता है वो प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली मज़ा आता है. हर किसी का एक फिल्म से टेक अवे अलग होता है, लेकिन जितनी भी फैमिली ऑडियंसेस जाती हैं फिल्म को देखने, वो चाहती हैं कि कहीं ना कहीं हमें 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जितनी भी देर की फिल्म है उतनी ही देर में उन सभी लोगों का टाइम पास और एंटरटेनमेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं. मेजोरिटी ऑफ पीपल इसी चीज़ के लिए जाते हैं थिएटर्स में, वो एक एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए, एंड वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इस फिल्म का एक्शन होने वाला है उससे एक्सपेक्टेशंस एक बेंचमार्क से नीचे तो होगी नहीं बिल्कुल भी. तो यहाँ पे टीजर से देख के ऐसा क्या अंदाज़ा लगता है कि फिल्म में किस टाइप के एक्शन होने वाले हैं एंड कितने एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो एक सीन दिखाई दे रहा है जो कि लगता है फिल्म का एंट्री सीन होने वाला है, जहाँ पे टीजर की स्टार्टिंग में शाहरुख खान बोलते हैं जिंदा है. वो मुझे लगता है शायद फिल्म का एंट्री सीन होने वाला है, जो कि एक एक्शन पैक्ड सीक्वेंस से स्टार्ट होगा. उसमें वहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा एंड शाहरुख खान के पास तो गन भी है वहाँ पे. सो अगर ये फिल्म का एंट्री सीक्वेंस है तो कहीं ना कहीं धमाके से स्टार्ट होने वाली है फिल्म. एक एक्शन सीक्वेंस ऐसा भी होगा जो कि जॉन को इंट्रोड्यूस कराएगा फिल्म में, जो कि हमें टीजर में दिखाई दे रहा है, एंड क्योंकि वो एंटेगनिस्ट है फिल्म के तो उनका ओपनिंग सीक्वेंस भी डेफिनेटली देखने लायक होगा. एक सीन जो हमें टीजर में देखने को मिला है जो कि थिएटर्स में सीटियां चिल्लियां मचा देगा, वो है शाहरुख खान वर्सेस जॉन अब्राहम. दोनों मूविंग व्हीकल के ऊपर फाइट कर रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ सीक्वेंस. नेक्स्ट जो सीक्वेंस लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा देख के कि जो सॉन्ग आने वाला है फिल्म में, जो सॉन्ग शाहरुख खान और दीपिका के ऊपर पिक्चराइज किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक फाइट ब्रेकआउट होती है. ये बस मेरा अंदाजा है, उनके आउटफिट्स देख के मैं ये बता पा रहा हूँ. एंड उसके बाद वो एक माउंटेन पे से जंप करते हैं, तो शायद वो उसी सीन का कंटिन्यूएशन होने वाला है. नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है शाहरुख खान और जॉन अब्राहम का एक चेज सीक्वेंस. ऐसा एड्रेनलिन रश देता है वहां पे, मतलब फिल्म में जब हम देखने वाले हैं वो, तो वो फिल्म में तो क्या ही अलग लेवल पे दिखाई देगा. एक सीक्वेंस है जहाँ पे शाहरुख खान बॉम्ब कैरी कर रहे हैं, उसे फेंक देते हैं एंड फिर कहते हैं बूम, वहाँ पे ब्लास्ट होता है एंड पठान बाइक के साथ जंप करता हुआ आता है. तो उस सीन में वो जो चेज वाला सीन है उसमें शाहरुख खान का लुक सेम दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सीन भी कंटिन्यूएशन हो सकते हैं. तो ये तो हमें टीजर में देखने को मिला है, जबकि टीजर में सब कुछ रिवील नहीं किया गया होगा, क्योंकि एक सीक्वेंस बुर्ज खलीफा पे भी शूट किया गया फिल्म का एंड उसके अलावा सलमान खान का एक एक्सटेंडेड कैमियो भी है जिसमें एक्शन होने वाला है. तो एग्जैक्टली तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि फिल्म में कितने एक्शन सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन एक बात जाहिर है, फिल्म में एक्शन ही एक्शन होने वाला है. मतलब इतना एक्शन और इतने बड़े स्केल पे हमने पहले कभी देखा ही नहीं होगा. अब फिल्म की क्वालिटी कैसी और फिल्म का एंटरटेनमेंट फैक्टर कैसा है वो तो हमें 25 जनवरी को ही पता लगेगा. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द फिल्म एंड आई होप इट बिकम्स अ ब्लॉकबस्टर. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. आप लोगों की पठान से कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्शन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि फिल्म में एक्शन किस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, वो सब कमेंट सेक्शन में बताओ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. मेक श्योर टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल. द हैंडल्स आर मेंशन इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन.